अब शहरे दीवार का किसके दिल में क्या है अंदाज़ा नहीं मिलता, शहरे दीवार का दरवाज़ा नहीं मिलता, ये तो किसी का पता है नहीं। लेकिन हम तो यही हमारी उम्मीद है, कोशिश है जी। और प्रयत्न यह है कि हम ग्रामीणों का दिल कैसे जीते। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, स्वागत करता हूं आपका दारास्तान लाइव न्यूज़ की देसी चुनावी यात्रा में। आज ग्राम पंचायत बागोली में हम पहुंचे हैं। सरपंच प्रत्याशी है यहां से गायत्री कंवर, गायत्री कंवर सरपंच प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि उनके हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि गाँव के विकास बने रही है हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या क्या विकास के कार्य हैं जो आप ग्राम पंचायत बागोली में मतदाताओं के पास लेकर जा रहे हैं और उन्हें अपनी ओर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? विकास का मुद्दा ये गांव गली मोहल्ला देखा जाए, पहले जो पहले विकास हमने किया है जी और उससे भी बेहतर हम आगे कोशिश करेंगे। और कोई नया कोई काम होगा गांव ग्राम पंचायत की तरफ से जो हमें बजट मिलेगा उस बजट के मुताबिक हम गांव के विकास के लिए चाहे स्कूल का हो चाहे हॉस्पिटल का हो वो काम भी हम आगे प्रोग्रेस में करेंगे जी। अच्छा। इससे पहले मतलब 5 साल पहले भी मतलब वर्तमान में सरपंच भी आप ही रहे होंगे? हाँ, वर्तमान में सरपंच के हम तो, क्या विकास कार्य हैं जो पेंडिंग रह गए थे जिनको आप प्राथमिकता में लेकर उनको पूरा करना चाहेंगे? प्राथमिकता तो ये है कि जिनके गली मोहल्ले में कुछ है बाकी तकलीफ रास्ते की है, जैसे खुरा बनाते हैं गाँव की पंचायत में और गाँव के अंदर किसी के अंदर कोई आदमी बीमार शिमार होता है उसकी मदद के लिए हम अलग से फंड बनाएंगे ताकि उसकी हम मदद करें। कोई आदमी बीमार हो जाए, कोई असहाय है उसकी मदद के लिए हम और आगे उसकी मदद करेंगे बढ़ चढ़ करके। हर बार युवा अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमारे लिए अलग से खेल मैदान होना चाहिए और जो खेल की जो सामग्री होती है वो होनी चाहिए, उस पे आप क्या कहेंगे? खेल मैदान ऑलरेडी हमारे फुटबॉल का भी है, वॉलीबॉल का ग्राउंड भी है, उसको हम और सुधारेंगे और अच्छा बना देंगे उसको। और ये पहाड़ी बेल्ट इलाका है, सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की। होती है पानी के, हमने बोरिंग 5-6 करवा रखे हैं और किसी को तकलीफ भी नहीं है फिलहाल तो आज की तारीख में किसी को भी तकलीफ नहीं, ग्रामीण को किसी को भी पूछ लीजिए। और हम आगे बेहतर कोशिश करेंगे जो भी बजट आएगा और नया गाँव के लिए टंकी वगैरह और बनवाएंगे। आने वाली 10 तारीख के लिए चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? अब शहरे दीवार का किसके दिल में क्या है अंदाज़ा नहीं मिलता, शहरे दीवार का दरवाज़ा नहीं मिलता, ये तो किसी का पता है नहीं। लेकिन हम तो यही हमारी उम्मीद है, कोशिश है जी। और प्रयत्न यह है कि हम ग्रामीणों का दिल कैसे जीतें जी। वो उसके लिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी और इन्होंने गांव के विकास के जो मुख्य वादे मुख्य जो बातें हमें बताई है वो आपने सुनी ली होगी। और भी गांव के अजीज लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी विचार जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। बताइए सर, क्या विकास के कार्य हैं जो पेंडिंग रह गए और आप नए प्रत्याशी से उम्मीद करते हैं? ऐसे हैं जो वर्तमान जो सरपंच जी इन्होंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जी ग्राम पंचायत बागोली जी खुरा जितने भी जहाँ पर हैं आज कोई कमी कहीं भी रही नहीं छोड़े, टंकी खुर्रे कोई गली गांव में कहीं नहीं छोड़ा जी। अब जो आगे का जो काम है जी विकास का है तो ज़्यादातर ध्यान हमारा नई की तरफ देंगे, शिक्षा में देंगे, मेडिकल भाषा बताए मेडिकल में ध्यान देंगे, अलग से भी कोई फंड बनाएंगे जी। लेकिन जितना काम यहाँ पर हुआ ग्राम बागोली जी ये खुर्रे का, क्यों ज़्यादा खुर्रा और टंकी होता है जी जी। कोई कमी नहीं छोड़ी। आप पानी का रहा, पानी का आज भी 4 ट्यूबवेल हैं हमारे पास सेंक्शन की जी। ये आचार संहिता लग गई, बाकी पानी की तो कहीं कमी है ही नहीं है, आस पास गांव से भी कमी नहीं है। अच्छा विकास किया आगे का। नरेगा मेरी बात एक मिनट सुनिए, हमारे गांव में पहले विधायक शुभकर्ण चौधरी साहब रहे, हमारे गांव में बोरिंग नहीं होने दिया जी जी। लेकिन सरपंच प्रत्याशी जो गायत्री कंवर है उनकी मदद से या उनके प्रयत्न से हमारे यहां 5 बोरिंग हुए और शुभकर्ण चौधरी साहब ने हमारे गाँव में 1 बोरिंग भी नहीं लगने दिया, लेकिन इनकी मतलब कोशिश से हमारे गाँव में 5 बोरिंग हुए और गाँव में किसी को भी शिकायत नहीं है पानी की। मैं युवाओं की तरफ से बता देना चाहता हूं कि जो हमारे सरपंच साहब है वो खुद भी एक युवा हैं और गांव में खेल कूद के जो भी प्रोग्राम है उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और उनमें जैसे समय समय पर कबड्डी करवाना, क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाना, उनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो हमारे युवाओं के, मैं युवाओं की तरफ से कबड्डी टीम में जो मेरे साथी खिलाड़ी हैं
उनमें हमने कोई प्रतियोगिता कराई थी, उनमें कुछ सरपंच प्रत्याशी जो है वो हमारे बच्चों का जो फंड था, हमें जो मिला था उसको भी उन लोगों ने लूट खसोट करी। अच्छा, बात उठती है नरेगा कर्मियों की, जो नरेगा में मजदूर जाते हैं, बात उठती है कि उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है, उनके मस्ट्रोल फाड़े जाते हैं, ये क्या है सर? ये सर आरोप आरोप है, आरोप आरोप है, और चुनाव में आरोप आरोप चलता है। अब चुनाव का टाइम, आरोप आरोप चलता है, लेकिन इस गांव में नरेगा में जितने भी जो जाते हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं बढ़ता है, और पूरे जाते हैं लाते हैं। अब बाकी आरोप आरोप तो देखो पार्टियां वो लगाएंगी, बाकी नरेगा में तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। सर पिछले और भी हमारे साथ गांव के मौजूद लोग हैं, इनसे और बात कर लेते हैं। जो पिछले चुनाव हुआ था, सरपंच जीते थे हमारे गायत्री कंवर, उन्हें 44 पंचायत समिति हैं, उन्होंने उसमें अवार्ड लिया है, काम इतना हुआ है कि उन्होंने अवार्ड लिया। और भी गांव के युवा हैं, इनसे और बात कर लेते हैं, आखिर कैसा प्रत्याशी चाहते हैं और आगे आने वाले 5 साल में विकास कार्य करवाना चाहते हैं? देखो पहले भी विकास बहुत हुआ है और आगे भी बहुत ज़्यादा करवाएंगे, ये 36 कौम के साथी हैं जी, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम कराएंगे, पहले भी और आगे भी बहुत ज़्यादा काम कराएंगे। धन्यवाद। और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं ग्राम पंचायत बागोली से, हम आपको ये लाइव अपडेट दिखा रहे हैं, और युवा हमारे साथ हैं, इनके और विचार। मेरे बड़े बुजुर्गों ने तो नहीं बताया होगा, बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे जो सरपंच प्रत्याशी है गायत्री कंवर, इन्होंने जीतने से पहले भी ऐसी ऐसी डाणियाँ थी जहाँ पर जाने के आवागमन के रास्ते नहीं थे जी, उन्होंने आवागमन के रास्ते खुलवाए, कैसे भी अपने पड़ोसी को या फिर अपने साथ वालों को समझा के, कैसे भी सामदान दंड वेद जैसी भी नीति अपना के उन्होंने डाणियों के रास्ते खुलवाए, सीसी निर्माण में भी पूरा सहयोग दिया, उसके अलावा जहाँ पेयजल की समस्या थी जिन जिन ढाणियों में वहाँ टंकियाँ निर्माण करवाई। बाकी राजनीति में आप जानते हो कि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बाकी उनका कोई मैटर नहीं है, बाकी फिलहाल हमारे सरपंच ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक, और बहुत अब 5 साल में और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या कार्य हैं जो पेंडिंग रह गए थे जिनको आप प्राथमिकता में लेकर आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे? प्राथमिकता तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में बड़े से बड़ा आसपास में हॉस्पिटल बने जी, सबसे पहले प्राथमिकता इसी को देंगे हम, क्योंकि हमारे को जैसे नीम का थाना जाना पड़ता है या फिर पचलंगी जाना पड़ता है या फिर मणकसा जाना पड़ता है, तो मेन मुख्य भूमिका यही रहेगी हमारे कि पहले हमारे गांव में बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल बने। बाकी हमारे गांव में पेयजल की समस्या कोई है नहीं, स्कूल भी हमारे 12वीं तक है जी, वैसी कोई समस्या है नहीं। उसके अलावा मेरे को नहीं लगती कि सीसी निर्माण भी आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है, और जिन ढाणियों में रास्ते वगैरह नहीं हैं और कुछ कमी है, पेयजल की कमी है, वो भी मतलब करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। हमारे गांव में जो 12वीं तक स्कूल है उसमें बच्चों के लिए बैठने की बहुत कमी थी, गायत्री कंवर सरपंच हमारे ने 2 कमरे अपने पैसे से खर्च किए, बनवाए हैं, विकास किया। आपने देख लिया होगा, एक गायत्री कंवर की ओर से समर्थक हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पिछले 5 साल में जो कार्य करवाए उनका भी हमें बताया, और आने वाली 5 साल में क्या कार्य करवाएंगे ये भी हमारे चैनल को बताया। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, बालिकाएं भी हैं, इनके भी विचार जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसा प्रत्याशी चाहिए आने वाली 5 साल के लिए जो आप ग्राम पंचायत बागोली का विकास कार्य करवा सकें? और तो क्या, अभी तो चल रहा है, और भी आने चाहिए, जैसे कि सड़कें वगैरह जो हैं वो और भी अच्छी हो जानी चाहिए, कि यहाँ पे जो भी है थोड़ी बहुत वो और होए, और वैसे भी साफ सफाई का भी होना चाहिए, वैसे आधी जगह में साफ सफाई कम है, उनकी भी साफ सफाई रहे, और स्कूल्स में बच्चे जाते हैं पैदल पैदल इतनी धूप में, तो उनके लिए भी बसेस वगैरह टेम्पूस वगैरह लगे, तो मेरी महिलाओं के लिए आवाज़ उठती है कि महिलाओं का मतलब चुनावी जो चुनावी माहौल आता है उसमें महिलाओं के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई जाती है कि महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो महिलाओं की सुरक्षाओं की बात उठती रहती है, आप नए प्रत्याशी से क्या उम्मीद करेंगे कि वो महिलाओं के लिए कुछ अलग करें? कुछ अलग करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हाँ तो उनके लिए भी थोड़ा आना चाहिए कि अब जाने नहीं देते हैं बाहर, पढ़ाई के लिए मना करते कि ना जाए, उनके लिए भी अब जैसे कि अब तो है ना कि अपन पढ़ सकते हैं, अब न्यू जनरेशन है, तो हमें भी गाँव वालों को बताना चाहिए कि महिला को और आगे बढ़ाए, आजकल बहुत लड़कियां बहुत आगे जाती है, तो उन्हें अपन गांव वालों को बताए कि हम लड़कियां भी कुछ कर सकती है, तो उस हिसाब से अब हमें ऊपर करना चाहिए। धन्यवाद।
ग्राम पंचायत बागोली से हम आपको यहाँ देसी पड़ताल में लेके आए थे। काफी लोग हमारे साथ मौजूद थे। कैमरा पर्सन राम किशन के साथ मैं किशोर कुमार, दा राजस्थान लाइव न्यूज़।